है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाचु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जेतुशासनं अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की किसान होता है बहुत दूर दृष्टि रखता है, दूरदर्शन की कोई आवश्यकता उसको नहीं। दूरदृष्टि और दूरदर्शन में बहुत अंतर होता है। जो व्यक्ति सामने का कुछ देखने की क्षमता नहीं रखता और दूरदर्शन की आवश्यकता रखता है, कम से कम भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दूरदृष्टि की आवश्यकता है, तो किसान हमेशा हमेशा दूरदृष्टि रख करके ही काम करता है। वह फसल काटने से पूर्व क्या क्या करता है और कब से इसकी भूमिका का निर्वाह करता है, ये ध्यान देने की बात है। वह किसान जो सूर्य की प्रखर किरणों के द्वारा धरती को जो तपते हुए देख करके उल्लास का अनुभव कर रहा है, इसलिए कि जितनी धरती तपेगी और उस धरती में जितनी ऊष्मा होगी उतना ही मुझे लाभ मिलेगा और उसमें एक प्रकार से जो कुछ मैं बोऊंगा वो बहुत जल्दी अंकुरित होकर के मेरी भावना सब लोग उस फसल का सेवन कर सके, यह बात वह सोच करके और धरती को पूरी की पूरी हल के माध्यम से चला करके नीचे की माटी को ऊपर लाने का प्रयास करता है। ऊपर की माटी को नीचे और नीचे की माटी को ऊपर लाना ही आवश्यक होता है। अनंत काल से संसारी प्राणी ने अपनी शक्ति को ऊपर लाने का प्रयास नहीं किया और विषय और कषायन के माध्यम से उसकी धरती निस्सत्त हो चुकी है, उसको पलटा करके नीचे भेज देना और नीचे की धरती को ऊपर लाना अनिवार्य है और यह किसान ही समझता और कोई नहीं समझता। कुछ सड़क पर हम आते हैं चलते चलते रोड से तो कुछ ऐसे भी बोर्ड लिखे हुए मिलते हैं, जय किसान, क्योंकि किसान की बात है इसलिए तो मैं जय किसान इसलिए कह रहा हूं। आप लोगों को किसान बनना है, आप लोग जो बनिया बन गए सब बिगड़ गया था। हमेशा हमेशा तोलते रहते हैं, क्या है पता है ही नहीं, डालो और तोलो और बेच दो। आज जो बेचा जाता है वो हमारे काम में आता है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, केवल व्यवसाय है। किंतु किसान ऐसा नहीं होता है, वो भी बेचता है, वो भी खरीदता है, लेकिन उपभोग्य वस्तुओं को ही खरीदता है,
और वहां उसी प्रकार की कोई चाहता तो उसको भेजता है। तो वह नीचे की धरती को ऊपर और ऊपर की धरती को नीचे ले जा करके उस माटी को परिवर्तित कर देना अनिवार्य होता है। विषयों के अभ्यास के कारण जो उपयोग की धरती एक प्रकार से विषयों की ओर ही जाती है उसको परिवर्तित करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार परिवर्तित करने से बहुत भीतर की जो अनगिनत शक्तियां जो संभावनाएं हैं वो ऊपर आ जाती हैं। जो धरती की माटी अभी तक काम में नहीं आई उसको ऊपर लाना अनिवार्य है और ऊपर की माटी को नीचे ले जाएंगे तो एक प्रकार से उसमें बैटरी चार्जिंग वाली बात आ जाती है। नीचे की ओर उसको ले जाना और उसको हल चला करके भी वो कभी कभी खोद करके नीचे की माटी को ऊपर लाता है। यही कर रहा और करके और ऊपर से जो तपन सूर्य प्रकाश किरणें उसके लिए पड़ी और यह ज्येष्ठ राष्ट्र को ज्येष्ठ बना देगा। ज्येष्ठ मास में यदि तपन न हो तो फिर श्रावण भाद्रपद फीके गए समझते। पूरा तपना चाहिए और वह तप रहा है उसको देख के खुश हो और जो ही वह ज्येष्ठ समाप्त हो जाता है अषाढ़ में वह एकाध वर्षा हो जाते हैं तो उसके माध्यम से मिट्टी थोड़ी सी मुलायम हो जाती है उसको अच्छे ढंग से समतल करना प्रारंभ कर देता है। जो बड़े बड़े ढीले हुए मिट्टी के जो उनको वह एक प्रकार से साफ करता छोटे छोटे बना देता है। एकाध बार इस प्रकार वह करता है फिर बाद में प्रतीक्षा में रह जाता है। किसकी प्रतीक्षा? पहले से प्रतीक्षा नहीं करें, करने योग्य कार्य करें फिर प्रतीक्षा में। आप लोग ऐसे हैं, ये निमंत्रण दिया उनको, निमंत्रण दिया अभी क्यों नहीं आ रहे, बुला लिया वो कहता ठहरो अभी मत बुलाओ, क्यों निमंत्रण तो दे दिया, निमंत्रण तो दे दिया लेकिन ये तो ध्यान रखो कि यहाँ पर रसोई बनी है क्या नहीं बनी, कोई प्रबंध है क्या नहीं है। ले आप बुलाओगे तो क्या पानी दे करके स्वागत करोगे क्या, कुछ चाहिए क्या नहीं। तो करने योग्य कार्य करो फिर इसके उपरांत बुलाओ तो अच्छा रहता है। तो किसान भी बहुत होशियार है, वह करने योग्य कार्य कर लेता है फिर बाद में प्रतीक्षा में खड़ा हो जाता है। होवे समय पर वर्षा दुर्भिक्ष न हो सुकाद हो, केवल आप मेरी भावना तो बोलते हुए भगवान के पास बैठो और वह धरती आपको पुकारते रही अब वर्षा होने वाली है उठ करके आ जाओ, उठ करके ऐसे हम उसको खड़े कर देंगे फिर काम कर लेंगे फिर बाद में आ जाएंगे। आप घर की वर्षा नहीं, घर की खेती अवश्य, घर के खेत अवश्य है और आप ये घर के ही और आपके नौकर चाकर वो भी घर के ही। लेकिन ये ध्यान रखना जब तक आप उस वर्षा के बारे में स्वभाव के बारे में चिंतन या समझेंगे नहीं तब तक आप न घर के रहेंगे और कौन सा मतलब घर के नहीं रहेंगे और उधर के भी नहीं रहेंगे और इधर के भी नहीं रहेंगे। प्रतीक्षा और वह करना प्रारंभ कर देता है और धरती पर आकर के एकाध वर्षा हो जाती है। जल्दी 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 वह उसमें बीज बो देता है। दाल का छूटा मांदरा, अषाढ़ का छूटा किसान, न घर का न घाट का, यही बात
उसने पूरा का पूरा कर दिया और वर्षा हो गई, अंकुरित हो गई धरती और फसल आकर के खड़ी हो गई। ये समय आप लोग मनुष्य जीवन में जो आए हैं उस किसान की भांति आपको सोचना चाहिए। आप बहुत सारी मांग रखते हैं भगवान के सामने, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अन्य गतियों में तो रख नहीं सकते हैं। और आज घर के भगवान हो गए हमारे, रख लो। घर के भगवान होते हुए भी आप घर के नहीं होने के कारण आपकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं हो सके क्योंकि धरती को आपने तैयार नहीं किया। धर्म श्रवण करने के लिए धरती को तैयार करना अनिवार्य, उसमें बीज बोने के लिए मिट्टी को मुलायम करना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं कि हल चला करके उसमें बो दो ऊपर से कर दो तो ऐसा ठीक नहीं होता। मिट्टी को मुलायम करना अनिवार्य होता है, लेकिन मिट्टी को मुलायम हाथ से नहीं की जाती। लेकिन ये भी ध्यान रखना बिना हल चलाए मिट्टी मुलायम भी नहीं होती। क्यों? इसलिए ऊपर वर्षा हो भी जान भीतर की कठोरता नहीं मिटने के कारण उसमें बीज आप सही बो नहीं सकोगे। उसमें मिट्टी कम से कम भी 3-4 अंगुल तो चाहिए ताकि उस मिट्टी में वफन किया हुआ बीज अंकुर सहित नीचे की ओर हो सके और ऊपर भी जो है वो उठ सके। यह उसने कर लिया। धरती यहां है और वर्षा कहां है? धरती यहां है और वर्षा कहां है? किसान को ज्ञात है वर्षा यहां नहीं है, लेकिन मेरी धरती है और धरती को मैं तैयार करूंगा तो वर्षा तो अवश्य होगी क्योंकि मेरा उद्देश्य सब लोग सुखी जीव रहे यह भाव है। और उसके लिए वहां से आना पड़ेगा उसको। भगवान के लिए तो मैं मंदिर जा सकता हूं, लेकिन यह वर्षा मेरे घर में आए, मेरे धरती में आए और आना पड़ेगा उसको। उसको विश्वास है। आप धार्मिक वातावरण तैयार करोगे, अपनी मानसिकता को धर्ममय बनाने का प्रयास करोगे, निश्चित रूप से देशना के बीच आपके धरती पे आकर के गिर जाएंगे अथवा आपकी अंकुरोत्पत्ति के लिए विशेष रूप से वह वर्षा अवश्य मिलेगी। लेकिन आप यदि पत्थर बन गए और पत्थर के ऊपर वर्षा हो जाए क्या होता बताओ? कुछ मुलायम होता, लगता है मुलायम जैसा, लेकिन मुलायम नहीं। उसका काठिन्य, उसकी कठोरता जुम करते बनी रहती है, भले ही ऊपर से थोड़ा सा गीला हो जाता है। और इतना गीला होने की उपरांत उसके ऊपर हल चला तो हल ही टूट जाएगा, वह कभी भी मिट्टी उसमें से नहीं निकलेगी। अपने धरती को भी बहुत मुलायम करना होगा, यह हमारा कर्तव्य है। फिर वह वर्षा होगी, निश्चित रूप से हमारे लिए लाभप्रद होगा। संतों ने यह कहा है मानसिकता किस प्रकार की होनी चाहिए, तो कठोर नहीं होना चाहिए पत्थर के समान, किंतु वह मिट्टी के समान मुलायम होना चाहिए। लेकिन मिट्टी के ढीले भी ठीक नहीं, उनको मिट्टी बना करके फिर बाद में ही बीज का उत्पन्न। इसको कर्म सिद्धांत के अनुसार द्विस्थानी बंद बोलते हैं। जो चतुस्थानी जो इस प्रकार के परिणाम हम लोगों के रहते हैं कर्म दोहे में, किसी भी प्रकार से देशना को ग्रहण करने की क्षमता उसमें नहीं रहती है। उस कठोरता को दूर करने के लिए वो भगवान नहीं करेंगे, वो भगवान का कार्य नहीं है।
वर्षा कभी भी आकर के आपकी धरती पर हल नहीं चलाएगी, किंतु हल आपको चलाना होगा। लेकिन जब आषाढ़ में आपको पुरसत हो तो आषाढ़ में जो व्यक्ति किसान इधर उधर की बातों में लगा रहता है तो दूसरे को देख करके वह तैयार हो जाता कि भैया हम भी करो, क्या हम कर दो। जिस समय वर्षा चालू हो जाएगी उस समय हल नहीं चल सकते, और उस समय हम ऊपर ऊपर से बखर कर देंगे तो वो भी नहीं चल सकता, क्योंकि हल चलाने के उपरांत ही बखर कराया जाता है और वह मुलायम भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमारे परिणामों को हमें हमेशा हमेशा, जैसे धरती साफ हो जाती है, मुलायम हो जाती है, समतल हो जाती है, उस प्रकार बनाए रखना चाहिए मनुष्य जीवन में। निश्चित रूप से एक आध वर्षा के कारण बीज होंगे तो वह निश्चित रूप से फल लगेगा, तो उसने ये कर दिया। हमारे लिए आचार्यों ने यही कहा है, तुम अपने धरती को तैयार करके रखो, भगवान आते हैं बाद में, आप तब बुलाएंगे आएंगे वो जब आपकी धरती ठीक रहेगी। आपके पास रसोई तैयार है तो एक बार बुला हुआ होता है और एक बार चला हुआ होता है। एक बार बुला करके आते हैं, आज आप हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, आज कहीं ना चाहिए, बस अच्छी बात है। अब वो प्रतीक्षा करने लग जाता है, 11 बज गए अभी नहीं आए, 11 बज गए अभी नहीं, बिना चलो हुआ के जाना ठीक नहीं, जाना तो है लेकिन बिना चलो हुआ के तो ठीक नहीं होगा। लोग ये भी कहेंगे देखो ये हमारे निमंत्रण के ऊपर ही बैठे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यद्य भी बैठे हुए इसी पर, लेकिन फिर भी चलो हुआ की प्रतीक्षा आपको रहती है, और वो चलो हुआ इसलिए नहीं कह रहा कि तैयार वहां पर है ही नहीं। आपके जीवन में कोई भी आज आज धर्मोपदेश देने लग जाए तो क्या आपके पास इतनी तैयारी है? धर्म ऐसे ग्रहण नहीं किया जाता, उसके लिए भी वातावरण की बड़ी आवश्यकता होती है। इसी को आचार्य ने देशना लब्धि कही है। देशना लब्धि से पूर्व में एक दो लब्धि और हुआ करती है, जिनको क्षोक्षम लब्धि और विशुद्ध लब्धि बोलते हैं, लेकिन शांत वातावरण होना अनिवार्य होता है। परिणामों में कोमलता, परिणामों में एक प्रकार की जिज्ञासा कि हम अपने धरती को फलवती बना दें, इस प्रकार की तैयार है तो वह काम आ सकता है। भगवान या देशना हमें अपने पुण्य के उद्देश्य मिलता, लेकिन पुण्य भी तब आता है जब हम अपने धरती को इस प्रकार तैयार कर देते हैं अच्छे उद्देश्यों के साथ। यदि हम धर्म को श्रवण करने के लिए और धर्म के फल क्या किस रूप में हम चाहते हैं अच्छे भावों के साथ करेंगे, निश्चित रूप से हमारे देशना का लाभ मिलेगा। और ये ध्यान रखना, देशना की व्यापकता बहुत है, संतों ने इसके बारे में कोई सीमा नहीं बांधी, जैसे पात्र है उसके अनुसार उसकी भूमिका बनती चली जाती है। कोई शब्द को नहीं जानता, उपदेश सुने क्या जानेगा वो, लेकिन उसके लिए भी भूमिका बनती चली जाती है। वर्षा उन्नत होती है और निश्चित रूप से फसल खड़ी हो जाती है। ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसने किसान के समान ही काम किया था, दूरदृष्टि इसी को बोलते हैं। उन्होंने अपने जीवन की भूमिका में इस प्रकार का कार्य किया और वह आज वहां पर खड़ा है जहां पर बहुत कम वर्षा हुआ करती है। यहां की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत कम वर्षा हुआ करती है, क्योंकि वह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत धर्मोपदेश करने वालों बहुत कम जाया करते हैं, बल्कि नहीं जाया करते हैं। ऐसा कहा दो तो सही मानी जाएगी, नहीं का मतलब नहीं के बराबर, नहीं का मतलब नहीं के बराबर, वो क्षेत्र ऐसा है, लेकिन जिसकी धरती तैयार है वहां पर तो वर्षा करना अनिवार्य है।
उद्देश्य उसका बहुत अच्छा है। और वहां पर वह एक बादल की टुकड़ी चली गई। बादल की टुकड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं, बादल जो है कहां से उत्पन्न हो जाते हैं? मरुभूमि में उत्पन्न नहीं होते, किंतु किसी भूमि पर नहीं उत्पन्न होते, किंतु समुद्र में उत्पन्न होते हैं। फिर बाद में वो अपनी दिशा को निर्धारित कर लेते हैं, कहां पर जाना, कहां पर चलना। हवा के माध्यम से वो उड़ते हुए चले जाते। उसी प्रकार एक बादल के पहुंच गई वहां और कहती है, तुम्हारे लिए वर्षा की बड़ी आवश्यकता। यहां पर क्या आवश्यकता? यहां तो अच्छा है, मौज है, यहां पर कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, तुम्हारे लिए बड़ी आवश्यकता है, मैं इसलिए वहां बहुत दूर से आया हूं। यहां पर हाँ, तुम्हारी पूर्ति के लिए आया, और जल्दी करो, हम बरसेंगे। हमें समझ में नहीं आता, तुम वहां पर चले जाते, यहां पर बीज बोया जाता है, जहां पर आवश्यक है वहां पर तो गए नहीं, और यहां पर हाँ, मैं यहीं पर इसलिए आया हूं कि वह बड़ी आवश्यकता है। समझ में बात नहीं आई, क्योंकि एक बात की कमी है आपके पास। उस व्यक्ति ने कहा, बादल की टुकड़ी के रूप में एक बात की बड़ी कमी है, और उसकी पूर्ति करना आवश्यक है। जो सब कुछ चीजें तुम्हारे पास हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज तुम्हारे पास नहीं, महत्वपूर्ण चीज तुम्हारे पास नहीं है। तो सब कुछ चीजें हैं, कौन सी महत्वपूर्ण चीज है बताओ? हीरा, मोती, मानी, सोना, चांदी, खेत, बिल्डिंग आदि, क्या चीज किसी की आवश्यकता नहीं। सब कुछ की पूर्ति है, लेकिन एक चीज की कमी है, और वह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन वह वस्तु है, कहीं भी आप चले जाओ तीन लोक में, वहां पर आपका स्वागत हो जाए। जो आप चाहें उसके लिए प्रबंध पहले से हो जाएगा। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है, बस सब बाकी सब कुछ चीजें हैं, तो कुछ भी वहां पर प्रबंध नहीं हो सकेगा। 16-16 स्वर्गों में भी आप पहुंच जाओ, तो भी वहां पर इस प्रकार का स्वागत नहीं हो सकेगा जितना होना चाहिए। सम्यक दृष्टि का होता उतरा नहीं हो सकेगा। देवों की चोटी तक भी पहुंच जाओगे, तो भी आपके लिए वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ यदि अन्यत्र भी पहुंच जाएंगे, तो वहां पर बहुत कुछ आपको उपलब्ध होगा। और क्या चीज है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन दिलाने की चीज है हां का कथनचित। पात्र को देख करके कि संत लोग भी सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए पहुंच सकते हैं। सुनते हैं कि मुनि महाराज कभी भी गृहस्थों के यहाँ आहार के बिना किसी और कार्य के लिए नहीं जाते। उन लोगों की गलत धारणा है, इतनी गलत धारणा है वो, कि आहार के लिए हम चले जाएं केवल वहां पर, और कोई किसी कार्य के लिए नहीं जाएं। गलत बात, हम तो आहार के बिना भी जा सकते। और वह संत गए हैं, बहुत अच्छे संत, ऐसे करुणावान संत हैं कि क्या बताएं। और ऐसे पात्र के लिए चीज देने के लिए गए। पात्र का विवेक संतों को भी होना है और होता है, क्योंकि ढूंढते रहते हैं देवी पात्रों को। अच्छे पात्र को दे करके यदि अपनी वस्तु दी जाती है, तो उसका मूल्य बहुत होता है। तो क्या महाराज ने वहां पर किसी को आहार देने के लिए गए? नहीं। और क्या देने के लिए गए? केवल उपदेश देने के लिए, जिसके माध्यम से उसको सम्यक दर्शन उपलब्ध हो जाए।
जो अनंत काल से उसका अंधकार जो फैला हुआ है वह नष्ट हो जाए। आज ना प्रभु जो आपके वेदे में विद्यमान है उनकी जीवन के इतिहास को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिए। खा सकता और उसकी इच्छा रखते बिना रखे भी वह पेड़ लगाता था कि मैं नहीं किंतु आगे वाले व्यक्ति तो कम से कम खा गए। आगे जो आएंगे व्यक्ति उनके लिए उसी प्रकार यह भी बात है। पात्र को देख करके धर्मोपदेश करना और वह संत स्थान से स्थानांतर भी जा सकते हैं और जाते हैं। एक यहाँ धर्मी गले चले गए और वह ऐसा रईस है, ऐसा भोगों में वलीन है जिसको बोलना चाहिए भोग भूमिका वजीव है। ढाई दिन के बाद तो कोई नहीं जाता लेकिन ढाई द्वीप में भी कुछ भोग भूमिया है वहां पर भी कोई भी तीर्थंकर तो नहीं जा सकते, जाते नहीं, लेकिन तीर्थंकर की उपासना करने वाले संत जाते। ये निश्चित है कभी कभी मानसून की बदलियां आ जाती हैं तो कभी लोकल भी आ जाती है। मानसून की जो बदलियां होते हैं वो तो सब जगह है, धीरे धीरे जाते जाते बरसाते बरसाते चले जाते, कोई बीज बोले नहीं बोले चल जाते। जहां पर नहर भी नहीं पहुंच पाती तो वहां पर भी कुछ बदलियों के टुकड़े तो जा सकते हैं। तो यही बात वहां पर थी, वहां पर जाकर के वो कहते हैं कि नहीं मैं इसी कार्य के लिए आया हूँ और तुमको ये देना है और हमारे कोई बदले में कोई पैसा पैसा कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने ही यह एक प्रकार से कार्य किया था, याद कर लो। वो क्या किया था, वो ये किया था कि एक चारण ऋषि महाराज को आदिनाथ भगवान के जीव ने 8-9-10 भव के पीछे आहार दान दिया था और उसका परिणाम ये निकला वह उत्तम भोग भूमि में चला गया। वो महाराज उसको सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए वहां पर गए थे, जाति स्मरण हो आया हमारी जाति कौन सी है देख लो, वर्तमान में तो मनुष्य है, वर्तमान में तो हम जैन हैं, वर्तमान में तो हम और हैं, लेकिन हमारे इतिहास जाति को भी तो समझ लो। ऋषभनाथ को अपनी जाति का स्मरण हुआ आया जब उन्होंने चारण ऋषि मुनि महाराज को आहार दिया था। ऋद्धिधारी मुनि महाराज को भी भूख लगती है, अनिकार को लेते ऋद्धिधारी मुनि महाराज को भी भूख लगती है और आहार कराया जाता है और श्रावक ने आहार कराया, महाराज ने आहार दे दिया और ये निश्चित बात है सब कुछ बातें हो गई। लेकिन महाराज ने उस समय क्यों नहीं समझा, उसी समय उनको करना चाहिए था कि नहीं अभी धरती इसने तैयार नहीं की है, धरती तैयार किए बिना उसके ऊपर बीज का रोपण करना ठीक नहीं माना जाता और जिसके पास सम्यक दर्शन था नहीं उसके हाथ से आहार कैसे ले लिए चारण ऋषि मुनि महाराज को समझ में नहीं आता। ये भी तो समझने की बात है कि जिसके पास सम्यक दर्शन ही नहीं है और उसके हाथ से आहार क्यों ले लिया, ये आज अतिरिक्त हो रहा है। सम्यक दर्शन की अति चर्चा का यह परिणाम मैं समझता हूं। थोड़े चारित्र की भूमिका की ओर भी देख लेते कि दाता के लक्षणों में क्या क्या होता है ये भी देख लेते और मुनि महाराज को ये कहा है कि ये ध्यान रखना सामने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, ये नहीं पहचान, यदि पहचानोगे और उसके लिए ज्ञान का प्रयोग करोगे तो गलत हो जाओगे। मन पर ज्ञान हो तो दूसरे के मन में क्या है दाता के मन में क्या है ये देखने का प्रयास मत करो, अवधि ज्ञान है तो वो भी मत समझो कि वह सामने वाला व्यक्ति नवधा भक्ति पूर्वक मुनि महाराज को आहार दे रहा है बस इतना पर्याप्त है।
और महाराज जी के हाथ से महाराज जी ने हार ले लिया और बाद में उसको जब उत्तम भूमि में चला गया वह जीव, और वो कौन सा जीव है समझो, ये विचार करो कि विश्वनाथ भगवान का जीव है जो अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो सम्यक दर्शन के साथ ही हुआ करता है, उसको सम्यक दर्शन ही नहीं था और उसके साथ साथ श्रेयांश का जो जीव जीव भी था और भी कई थे, लेकिन ये ध्यान रखो निश्चित है कि भूमिका का निर्वाह किस ढंग से हुआ करता है। विश्वनाथ भगवान आज है लेकिन पहले क्या थे, इसको भी देखने का प्रयास करना चाहिए। जाति स्मरण होते ही हमने इस ढंग से इनको हार दिया था, फलस्वरूप यहाँ पर आया हूँ, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की धारणा यही रहती है मुनियों को आहार दान देने से या चार प्रकार के दान देने से वो भूमि मिलती है, ये गलत है। नहीं कि वो भूमि जो मिलती है यहाँ से वो भूमि हो जाता है जो मिथ्या दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन का फल वो भूमि पहुंचाना नहीं है। सम्यक दर्शन का फल तो ये है कि वह ऊपर ही उठाना है, तो वह भू भूमि के लिए नहीं जाएगा। ये बात अलग है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पूर्व में यदि मनुष्य आयु का बंध किया है और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उसको सम्यक दर्शन लेकर के शरीर से आए सम्यक दृष्टि है तो वह भू भूमि जा सकता, नहीं तो उसको सीधा ऊपर ही पहुंच जाता है, सोलह स्वर्ग तक पहुंच सकता है। यह कर्म सिद्धांत है और यह एक दान का भी सिद्धांत है। दान के लिए दाता हमेशा हमेशा पात्रों की गवेषणा करता है और पात्र दाता की पहचान करके बस इतना पर्याप्त है आहार लेकर के दे करके वह काम चला जाता है। जब यहाँ पर दान का कार्य हुआ और पात्र ने दान लिया लेकिन उसी समय के उपदेश के माध्यम से उनको समझा देते नहीं, उसकी भूमिका अभी उस प्रकार की नहीं थी, अब वहां पर तैयार हो गई भोगों के प्रति लालसा नहीं और क्षयोक्षम होने की भूमिका उसके पास विद्यमान है और वैराग्य की ओर है, संवेग की ओर है उसकी भूमिका, वहां पर जाकर के कह देते हैं कि तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन की बड़ी आवश्यकता है, तुम इस प्रकार के कार्य करते हो तो इसलिए बड़ी आवश्यकता है। इसी बात समझ में आ गई और वहां पर सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई। किनको? युग के आदि में जो ऋषभनाथ हुए उनके पहले के भवों की यह कथा है। हमारी कथा बहुत लंबी चौड़ी है जिसको सुनने से व्यथा का अनुभव होता है, किस किस ढंग से हमारे जीव ने ये चक्कर काटता 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 इस भूमिका को प्राप्त कर ली, इसके बारे में सोचना हमारे दिमाग में यह बात आती ही नहीं। हम केवल ऊपरी संसार में ही रहते हैं हमेशा हमेशा, कर्म सिद्धांत आत्म सिद्धांत जीव सिद्धांत और उसके भोगों की जो संस्कार, उन संस्कारों की ओर देखते हैं तो हमें यह पता नहीं लगता कि किस जीवन में हमने ऐसे कौन से संस्कार डाले थे और उसका परिणाम स्वरूप यहाँ पर आज हम आए, और आने के उपरांत भी तामसिकता का ह्रास होता हुआ कषायों में मंदता आती हुई और द्रव्य क्षेत्र का भाव को लेकर के हमारी जिज्ञासा जागृत हो गई कि आखिर आत्मा की उन्नति का उपाय क्या है। आत्मा की उन्नति का उपाय न धन है, न जमीन है, न जायदाद है, न और कोई है। हाँ इतना अवश्य है कोई न कोई विशेष क्षेत्र, कोई न कोई विशेष देश उसकी भूमिका का निर्वाह अवश्य कर सकता है। भारत में जितने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की भूमिका का वातावरण है उतना अन्यत्र हमें उपलब्ध नहीं होता, यद्यपि वहां पर इससे भी ज्यादा पंचेंद्रिय विषयों की व्यवस्था का प्रबंध हो सकता है लेकिन वह इस प्रकार डेप्थ में उतर जान संभव नहीं है। वह ज्यादा ज्यादा कुछ अपने नाम ख्याति इत्यादि के लिए कुछ कार्य कर सकता है लेकिन आत्मा की जो भीतरी जमीन है उसके बारे में वह सोच नहीं पाता।
विदेश में भी हल चलाया जाता है और यहाँ पर भी हल चलाया जाता है। विदेश में भी पानी पिलाया जाता है और यहाँ पर भी धरती को पानी पिलाया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? इसलिए अंतर है, ऊपर ऊपर से वह बहुत हल चला देते हैं, नीचे गहराई तक नहीं पहुंच पाते। जो ट्रैक्टर इत्यादि के माध्यम से आप देख लो तो बहुत जल्दी ऊपर ऊपर तो वह काटेगा, भीतर गहराई भी नहीं पहुंच पाते। दूसरी बात यह है, वो पूरी की पूरी को सपाट उखाड़ करके फेंकता है, ये पूरी की पूरी नहीं, हल में हल चलाएंगे तो कुछ न कुछ जमीन बच जाएगी। आपने देखा, यही एकमात्र पूरी की पूरी उखाड़ने से क्या होता है, वह धरती का साथ तो और समाप्त हो जाता है। पानी पिलाया जाता है लेकिन मशीन के द्वारा पानी पिलाया जाता है, पानी पीता नहीं, पानी बह जाता है। बहना और पिलाना बहुत अंतर है। चरस के माध्यम से जो पानी पिलाया जाता है वह पी सकता है। यदि आपके हाथ में मशीन लगा दी जाए तो आप पी सकोगे क्या? मशीन छोड़ दो महाराज, जब भी जो धार जोर से कर दोगे तो नहीं होगा। भैया पानी पिलाना चाहते हो कि क्या करना चाहते हो, पहले बताओ, हम पी लेंगे फिर थोड़ी छोटी सी धार लगा दो। उसी प्रकार यहां एक ऐसे संस्कार की बात है कि भीतर तक पहुंच जाता है, जिसको ग्रहण करने की क्षमता होती है उसके लिए इस प्रकार भीतर तक पहुंचा देंगे तो उसको वह पचा सकता है, जितना आवश्यक है उतना ही देता है। लोकल वर्षा हमेशा हमेशा बह करके अपने संघ के सभी सदस्यों ने कहा कि 2 महीने हो गए हमें यहाँ पर लगभग, लेकिन 1 दिन भी यहाँ पर बादल तो गरजते नहीं, 1 दिन भी यहाँ पर बिजली चमकती नहीं, और वर्षा देखते हैं कहाँ से आती, कैसी आती है। ये अभी आप लोगों को वर्षा का सहज स्वभाव याद नहीं है, हमने कहा, क्योंकि वर्षा ऋतु में, उसी का नाम वर्षा ऋतु है, जिस समय बिजली नहीं चमकती और मेघ नहीं गरजते, गरजने वाले और बरसने वाले, ये बात है कि गरजना एक प्रकार से बरसने का लक्षण नहीं है। अब भाद्रपद के उपरांत या 10-15 दिन में यहाँ पर भी गरजना प्रारंभ हो जाएगा, तब तक जो है वर्षा ऋतु लगभग समाप्त हो जाती है, लोकल मानसून जिसको बोलते हैं, लोकल जिसको बोलते हैं। तो यह निश्चित है, जहां पर बहुत वर्षा होती है दक्षिण में प्राय करके 10-10, 15-15 दिन तक लगातार सूर्य का दर्शन नहीं और वर्षा झड़ी लग जाती है तो जो बूढ़े होते हैं वो प्राय करके डरते रहते हैं, यदि वर्षा काल निकल गया तो समझ लेना वो लोग मानते हैं, अनुमान नहीं विश्वास करते हैं, हमारी 1 साल उम्र बढ़ गई। वैसे उम्र बढ़ती नहीं लेकिन खतरा रहता है वर्षा के काल में बूढ़ों को हनाल से निकल जाए, और वर्षा होती ही रहती है, वो कभी भी मेघ गर्जन नहीं होता और बिजली नहीं चमकती। उसी प्रकार यहाँ पर बात है कि धर्म की बात गर्जने से नहीं होती, वह बरसना चाहिए अनुपात से, और वह पानी पूरा का पूरा, वर्षा का पानी जो है पूरा का पूरा जमीन में चला जा रहा है, पूरा का पूरा जमीन पी जाती है। जमीन पी जाती है तो वह 1 साल तक पानी रह जाता है, और यदि बह जाएगा तो फिर थोड़ी 2-3 महीने के उपरांत उन्हें लाओ पानी, लाओ कहां से आएगा पानी, लाओ पानी भर करके रखते तो निकलता, भर करके रखा नहीं तो वर्षा हो रही है इसलिए पानी और आ जाएगा, ऐसा नहीं, पानी आता काम में वही पानी आता जो जमीन में घुस जाता। पानी का स्तर आज बहुत नीचे जा रहा बताते, क्यों? उसमें भी कारण ही है, पानी का स्तर नीचे इसलिए गया है कि आप 200 फीट खोदोगे
इधर उधर का पानी जितना भी हो वहां वहीं पर चला जाएगा, स्तर नीचे उतरता चला जाएगा। कुएं में जितना पानी आता है उतना जलस के माध्यम से हम पिला रहे थे। तो ज्ञान का भी और कोई भी विशेष बातों का जो कोई भी हम उपयोग करते हैं वह बहुत बड़ी मात्रा में कर लें उसका कुछ उपयोग नहीं होता, किंतु पात्र के अनुसार दिया हुआ जो कुछ भी उपदेश है वह नीचे उतरता हुआ चला जाता है। भोग भूमि में जाकर के कर्म भूमि में नहीं, भोग भूमि में जाकर के कर्म भूमि के महाराज, महाराज कभी भी भोग भूमि के नहीं हुआ करते। मनुष्य दोनों प्रकार के हुआ करते हैं, मनुष्य दोनों प्रकार के हुआ करते हैं, कर्म भूमि के भी हुआ करते हैं और भोग भूमि के भी हुआ करते हैं। लेकिन महाराज जो है भोग भूमि के नहीं हुआ करते हैं, कर्म भूमि के ही हुआ करते हैं। और कर्म भूमि में भी वही आरखंड में विशेष रूप से वो करते हैं। एक बिंदु और मैं बताना चाहूंगा, म्लेच्छ खंड में जाकर के कोई भी मुनि महाराज उपदेश नहीं देते। म्लेच्छ खंड का अर्थ क्या होता है? जहां पर धर्म करने की इच्छा नहीं रखते उसका नाम म्लेच्छ खंड। ऐसा नहीं कि विदेश वगैरह को तुम लोग म्लेच्छ खंड घोषित कर दो पर भारत को आर्यखंड घोषित कर। भारत भारत बहुत लंबा चौड़ा था, तो कुछ 80-80 कृति वाणी सिर्फ विद्या जो छह कर्म है वो करते तो है, लेकिन धर्म के प्रति जिसके पास जिज्ञासा नहीं, गुणों को उत्पन्न करने की भावना नहीं रहती, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र आत्मा की उन्नति के लिए वेश भूमिका का काम करते हैं, उनको प्राप्त करने का जो खंड होता है उसको आज खंड बोलते हैं। तो म्लेच्छ खंडों में 5 खंड है, वहां पर भी मनुष्य बहुत सारे हैं, उपदेश देने के लिए 4 प्रति मुनि महाराज वर्ग क्यों नहीं जाते हैं? तो उनकी भूमिका वहां पर नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति खाने पीने में ही एकमात्र मस्त रहता हमेशा, उसके लिए धर्म की बात समझ में नहीं। धर्म की बात उसी को समझ में आ जाती है जो व्यक्ति केवल यह पैसे को जमीन को जायदाद को और कोई चीजों को जीवन चलाने के लिए समझता है, उसके लिए ही यह बात समझ में आ जाती है। किंतु जीवन का निर्माण इससे नहीं होता, ऐसा जिसको विश्वास रहता है उस व्यक्ति के लिए धर्म तो उपदेश कुछ कार्यकारी हो सकता है। आज हम लोग यही समझ बैठे हैं कि हमारे पास धर्म अपने आप आ जाएगा, जैसे धन आया है उसी प्रकार धर्म भी आ जाएगा, ऐसा नहीं। धन तो एक प्रकार से पुरुषार्थ करने से आता चला जाता है, लेकिन धन के लिए अलग पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जिस विश्वनाथ भगवान के जीव ने यहाँ पर दाना दी देख करके ये किया था, और महाराज जी ने वहां पर जाकर के उनके ऊपर उपकार किया और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके वहां से निकल करके इस ओर उनका पुनः जन्म हुआ, और यह सारा सर आपको इतिहास ज्ञात होना चाहिए। हमारी बात भी कब से यह जीव यात्रा करता आ रहा है ज्ञात नहीं, कुछ 1500 वर्ष पूर्व की बात ही आप इतिहास के माध्यम से समझेंगे तो ज्ञात होगा कि जैन समाज कितना था, वर्तमान में कितना है, क्यों इस प्रकार खंडित हो गया, क्यों इस प्रकार बिखर गया, क्यों इस प्रकार की भूमिका का अभाव हो गया। इस सब बातें देखते हैं तो केवल उसके पीछे एक ही मात्र तथ्य नजर आता है कि जब हम अपने जीवन के निर्वाह के लिए कुछ स्थान छोड़ देते हैं तो यह कमियां होती चली जाती हैं। पहले भी यात्रा करते थे और वैश्य वृत्ति के माध्यम से कमा करके आते थे, लेकिन वो लोग यात्रा करके वहां से कमा करके आते थे यहीं पर, वहां नहीं बसते थे। लेकिन आज सुनते हैं कि भारतीय होकर के भी वहां पर जाकर के बसने को अच्छा मानता है। कहां पर? विदेश, विदेश खंड में नहीं, वहां की नागरिकता धारण कर। देखो अर्थ के लिए पहले भी जाते थे, बड़े बड़े सेठ जाते थे, जहाज लेकर के जाते थे और उसमें
कि प्रतिमाओं को भी लेकर के चले जाते थे, या हीरे पन्ने की बड़ी स्फटिक बने की नीलम की बड़ी बड़ी प्रतिमा वहां पर बना करके वहां से ले आते थे, सब कुछ होता था। लेकिन आज के दो वैसे है, वह वैसे न प्रतिमा ले आता है न ले जाता है, किंतु वह जाता है और वही का हो जाता है। ये कुछ सुन करके समझ करके ऐसा लगता है इनको कि भारत से कोई प्रेम नहीं है या आर्यकंठ से कोई लगन नहीं है, इनको केवल पैसा चाहिए, जैसा वैसा पैसा पैसा। ऐसा नहीं, जहां पर धार्मिक वातावरण होता है, अहिंसा का पालन होता है, जहां पर कोई अहिंसा का नाम निशान नहीं है, वहां पर भी जाना चाहते। ये बात अलग है आरोग्य की दृष्टि से, वो लोग भी अहिंसा को मानने लगे हैं, लेकिन वैराग्य की दृष्टि से नहीं, दया की दृष्टि से नहीं, धर्म मान करके नहीं। यदि ऐसा मानते हैं तो संगी पंचेंद्रीय मनुष्य के लिए भी वो दया का वातावरण बना देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। संघर्ष में जीवन पहला ही था ऐसा नहीं, आज भी है, आज ही है ऐसा नहीं, पहले भी था, लेकिन निर्वाह के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती, वहां से ले आकर के पुनः यहीं पर आ जाते थे। यदि इस प्रकार धीरे 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 जैसे वर्षा होने की उपरांत पहाड़ से पानी नीचे गिरता गिरता और बहता बहता जा करके पुनः समुद्र को मिल जाता, उसी प्रकार आर्यखंड में से यह जनता निकलती निकलती निकलती, मैं ये सोच रहा हूँ कि उस महासागर में कहीं मिल जाए, और यहाँ पर ये छोटे छोटे जो क्षेत्र है इनका क्या हुआ, समझ में बात नहीं आ रही। विचारों से और आचारों से यदि हम उस देश के हो जाएंगे तो इस देश का निश्चित रूप से महत्व काम है। संतों ने कहा है कि इस प्रकार के देश में जन्म लेने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब तक यह देश मिलता, जिसमें आकर के हम धनी नहीं धर्म का अर्जन कर सकते हैं, जीवन को उन्नत बना सकते हैं, जीवन का निर्माण करने के लिए यह देश मिला। लेकिन आज निर्वाह की बात प्राय सब लोग सोचते, सोचना चाहिए, लेकिन इतना नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ के न रहे, वहां के हो जाते हैं, वहां की नागरिकता क्यों मिल जाती है, इसलिए मिल जाती है, वह लिख करके दे देते हैं कि आप जाएंगे तो यहाँ का धन यही का रह जाएगा, यही का यही धन रह जाएगा, लेकिन कम से कम वहां पर धार्मिक वातावरण तो बना सकते हैं, वो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर गए हैं वही उद्देश्य वहां पर रह जाता है, जिस देश में जाने के उपरांत केवल वही उद्देश्य रह जाता है, उसी का नाम विदेश है, जहां पर धर्म धर्म नहीं अर्थ अर्थ ही केवल रह जाता, परमार्थ गौण हो जाता। किंतु भोग में रह करके भी जिन्होंने पहले दान दिया था उसने भी अपने सात्विकता बनाए रखी थी, और जो ही मुनि महाराज के उपदेश सुना, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और गदगद हुए, और वहीं से वृषभनाथ बनने की भूमिका प्रारंभ हो गई। युग की आदि में हुए हैं, उससे पहले भी अनेक युग व्यतीत हो गए थे जिस समय उनको यह दिशा उपलब्ध हुई थी। आप लोगों का सौभाग्य है इस समय आपको मिल रहा है, क्या सोचिए, विचार करिए, अपने इतिहास के बारे में भी सोच लीजिए, पर्याय की दृष्टि से नहीं, जीव कहां से आता आया है और यहां पर आकर के कुछ समय के लिए, ये 50 साल 60 साल 70 साल कोई विशेष मायने नहीं रखते, ये सागर में बूंद के समान आयु है, स्वर्गों की आयु के समान सामने और जो नरकों की आयु के सामने, यह आयु आयु ही नहीं, किंतु यह आयु इतने प्रौढ़ है कि इसमें ऐसी आंखें खुल सकती हैं अन्यत्र नहीं खुल सकती, यहाँ पर ऐसी भूमिका बनाई जा सकती है कि वह ऐसा बीजारोपण हो सकता है कि फल तात्काल इस जीवन में मिलना प्रारंभ हो जाता है। सब कुछ बातों को गौण करके अपने बच्चों के संस्कार इस ढंग से डालिए, केवल अर्थ की ओर ही अर्थशास्त्र ही पढ़ना प्रारंभ हो जाता है, 10-12 साल का विद्यार्थी नहीं रहता, अर्थ आ जाता है, अर्थ आ जाता है।
इंग्लिश में अर्थ मैंने भूमि ली, इंग्लिश में अर्थ मैंने भूमि है, लेकिन आज अर्थ मैंने पैसा हो गया है। हिंदी में अर्थ का अर्थ यह नहीं होता, अर्थ का अर्थ मीनिंग होता है, और मीनिंग का अर्थ होता भाव होता है। कोई भी वस्तु है उसका क्या अर्थ है, तो उसका क्या प्रयोजन है, उसका प्रयोजन उसकी भावत्ती भूमिका पर ही निर्भर। यदि भाव की ओर दृष्टिपात हमारा होता है, निश्चित रूप से हम मूल्य को ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो यह अनमोल वस्तु को भी हम यूं ही अर्थ के लिए कमा देते हैं, कुछ टका मिल गया और उसको बेच देंगे। मूल्य नहीं समझने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है, मनुष्य जीवन का क्या मूल्य है, हम शब्दों से इसका वर्णन नहीं कर सकते। जब इसका धार्मिक जीवन बनना प्रारंभ हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि इतना बहुमूल्य पदार्थ हमें प्राप्त है। आचार्य स्वामी सामंत भद्र महाराज ने रत्नगण शाकाचार्य में कहा है, न सम्यक दर्शन समम किंचित त्रैलोके त्रैकाले त्रिजगत्यपि। क्या कहते हैं, तीन लोक में तीन काल में कोई भी वस्तु ऐसी तनुभृतां श्रेय कल्याण करे नहीं सम्यक दर्शन को छोड़ करके, और मिथ्या दर्शन के समान संसारी प्राणी के लिए कोई अकल्याणकारी वस्तु नहीं है। तो मिथ्या दर्शन क्या वस्तु है, सम्यक दर्शन का नहीं होना ही मिथ्या दर्शन है। और सम्यक दर्शन क्या वस्तु है, आंख नहीं, सम्यक दर्शन वह है जो फाउंडेशन है, सम्यक दर्शन वह है जो मूल है। तो मूल के बिना पेड़ वृक्ष खड़े नहीं होते, फाउंडेशन के बिना नीम के बिना यह भवन खड़ा नहीं होता। आप दर्शन कर रहे हैं भगवान के, लेकिन इसके नीचे नीम कितनी खोदी थी, हमने पूछा था कभी यह यहाँ नदी के किनारे मंदिर बनाए, कब से बनाए थे, अभी भी बनाया महाराज जी। अच्छा, ये नीम कितनी थी, तो उन्होंने कहा 30-40 फीट गहराई तक हम पहुंचे हैं, तब कहीं जाकर के आप लोग यहाँ पर बैठे, नदी है पास, नदी कैसा होगा, इसको इस ढंग से बनाया जाए। तो सम्यक दर्शन वही भूमिका का काम करता है, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए इतनी नींव खोदने की आवश्यकता हो जाए। उसको यदि आप नहीं खोदोगे आज, आपका भवन कैसा निर्माण होगा और इतना उन्नत कैसा बनेगा। तुम सुखी बनना चाहते हो तो सब कुछ को पूर्ण कर दो, और महत्वपूर्ण वही है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति आस्थावान बन करके, और विषयों से कषायों से हमारा जीवन आज तक अवनति की ओर हुआ है, इस विश्वास के साथ यदि इस उदाहरण को याद रखते हैं, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। भोग भूमि भी छूटने वाली है, कर्म भूमि भी छूटेगी, स्वर्ग भी छूटेंगे, नरकों से जाएंगे, नरकों से ऊपर भी आएंगे, प्रतिभ्रमण नहीं छूटेगा, परिभ्रमण उसका छूटता है। एक बार एक व्यक्ति ने मान लो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, छूट भी गया, लेकिन उसका परिभ्रमण छूट गया, निश्चित रूप से वह अपनी भूमिका बनाएगा, और महावीर भगवान विश्वनाथ भगवान जैसे बने उसके अनुसार अपने आत्म तत्व के ऊपर विश्वास रख करके बना सकते हो। अन्य दर्शनों से जैन दर्शन के यहीं पर एकमात्र भेद रेखा प्रारंभ हो जाती है, यहाँ से शाखा फूटने लग जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान बन सकता है, यह सूत्र जैन दर्शन ने दिया है। प्रत्येक आत्मा के पास परमात्मा बनने की क्षमता, हम परमात्मा बन सकते हैं, हम भगवान बन सकते हैं, इसीलिए धर्मोपदेश सुनना और सुनाना होता है, और कोई समय वेस्ट करने के लिए नहीं, खर्च करने के लिए नहीं, किंतु उसका समय का सदुपयोग यही है कि हम एक आत्म तत्व है। अपने इतिहास को समझो, अपने वंश को समझो, अपनी जाति को समझो, अपने कर्तव्य को समझो, निश्चित रूप से उन्नति होगी, नहीं तो नहीं। यदि विश्वनाथ भगवान के जीव ने वहां पर धर्मोपदेश से प्रभावित ना होकर के
ठीक है ऐसे कह रहे थे, क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि यहां से वो भूमि जाना पड़ा, सम्यक दर्शन यदि होता तो उधर नहीं जाते, वो स्वर्ग में चले जाते। और स्वर्ग जाने के उपरांत सुविधा बहुत होती है, अच्छी सुविधा ये हो जाती है, जैसे मेन रोड पर हाईवे पर आप यदि रहते हैं तो जहां कहीं से भी जाकर कहीं भी पहुंच जाते हैं। इंटीरियर में रहेंगे तो बहुत कुछ जो है दिक्कत होते हैं, गाड़ियां नहीं मिल पाती है। देव गति इस प्रकार की हाईवे पर बसी हुई है कि जहां से कहीं भी जाकर के जल्दी जल्दी धार्मिक वातावरण देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वह वहां पर नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण मृत्यु के उपरांत वह भूमि में चला गया, मनुष्य मनुष्य हुआ। किंतु वहां से आने के उपरांत निश्चित रूप से देव ही होता, भूमि से देव ही होता, भूमि से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य से भूमि हो सकता, किंतु भूमि वाला जीव निश्चित रूप से देव ही होगा, क्योंकि उसके पास भोग सामग्री बहुत है। और भोग सामग्री क्या है कि पुण्य को अर्जित किया उसको भोगने के लिए वहीं पर जाना पड़ता है। बड़े बड़े सेठ साहूकार कहते हैं महाराज यहाँ पर तो खर्च नहीं हो सकेगा, फाइव स्टार चाहिए तभी तो काम होगा। उनका पैसा जो खर्च होता है वो वहीं पर होगा, भोग भूमि वालों का जो खर्च होगा वो पूरा कवर खर्च होगा कि देवगति में जाकर के खर्च करके आएंगे, वो डायरेक्ट इधर नहीं आ सकते क्योंकि वह रास्ता ही ऐसा। तो विषयों के साथ उद्देश्य को लेकर के जो धन का अर्जन करता है उसका धन धार्मिक वातावरण के लिए खर्च नहीं होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य उसी उद्देश्य को लेकर के होता है। और धर्मात्मा हमेशा हमेशा पैसे की ओर नहीं देखता किंतु वह धर्म की ओर देखता है। इस नश्वर संपदा का यदि उपयोग कर ले तो संभव है धार्मिक भूमिका और बन सकती है क्या? तो उस जीव ने पहचान ली, बड़ी अच्छी बात की कि वो महाराज कितने करुणावान है, मैं उपसंहार कर रहा, कितने करुणावान है कि कहां भोग भूमि और कहां कर्म भूमि, वहां पर जाकर के उपदेश देना एक जीव के ऊपर। हाँ ठीक ही तो है, उन्होंने उनको आहार दिया था इसलिए बदले में तो कुछ देना तो पड़ेगा। परस्पर उपग्रह जीवाना नहीं, जिन्होंने आहार लिया था इस उद्देश्य से नहीं लिया था, और जिन्होंने आहार लिया था इस उद्देश्य से नहीं लिया था, किंतु यह एक पात्र की गवेषणा है। आप जैसे पात्र की गवेषणा करते हैं उसी प्रकार भव्य जीव की गवेषणा वे संत भी करते हैं, जिसके निमित्त को लेकर के वह तीर्थंकर बनेगा और असंख्या जीवों का उद्धार करेगा। तो उस संत ने रिद्धिदायी मुनि महाराज ने कि बहुत बड़े एक नल को ढूंढने का प्रयास किया जो रास्ते पर देखने में नहीं मिला करता, अच्छी जो कीमती चीज होती है उसको ट्रेजरी के भीतर बंद रख करके ही किया जाता, उसके प्रचार प्रसार के लिए कोई विशेष पॉम्पलेट्स वगैरह नहीं निकाला करते, बाकी सब चीजों के लिए होता है। लेकिन हीरा मोती मानी इत्यादि जो होते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, गेहूँ है, बोरी में भर करके और आप सैंपल के लिए भी देते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, आम है और जो कोई भी नारंगी है और जो चीजें हैं उनके लिए काट पीट करके पीस दे देते, सिंपल ले लो वो कर लो। आज तक हमने ये नहीं देखा कोई चार पांच दे दो या एक मुट्ठी ले लो मोती अब देख ले लेना, ऐसे किसी ने भी नहीं किया। क्या बार बार पूछने के उपरांत भी है क्या नहीं ये नहीं बताते। दादाजी गए हैं, भाई जी अभी कह रहे थे कि उसका सौदा लगभग और मांग तो यहाँ तक हो गई है कि अब यदि इसके आगे हो तो भी उन्होंने कहा कि मना किया ऐसा नहीं करना अपने को, ऐसे कह करके उसका मूल्य और बढ़ाया जाता है।
चीज दिखाई नहीं जाती। उसी प्रकार उन्होंने भी ऐसी गवेषणा की थी कि वह चीज इन्हीं के लिए योग्य है, दिया और वह कुछ ही दिनों में कुछ ही भाव में आदिनाथ भगवान ये भरत क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध हो गए। विश्वनाथ भगवान आदि ब्रह्मा जो कि आदि तीर्थंकर माने जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से यह युग प्रारंभ हुआ। धार्मिक वातावरण की ओर आगे बढ़ता बढ़ता आज अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान हो गए और यह 24 भगवान के जो काल उनका समाप्त हो गया। आज हम लोगों ने साक्षात संबंध रखा है तो कृष्ण महावीर भगवान के तीर्थ से संबंध रखा है, अभी उन्हीं का ही तीर्थ है ये। जब तक अगला तीर्थ नहीं होगा तब तक ही यह महावीर भगवान का ही तीर्थ माना जाता है। लेकिन 2500 मानते सुनते ही 2500 वर्ष हो गए, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई किसान आए थे, खेती की थी, फसल आई थी और हुआ था कुछ, लगता नहीं। क्या हो जाता है निश्चित एक ही वर्ष में नहीं, दो तीन वर्ष में ऐसा लगने लग जाता है। यदि बीज नहीं बोया जाता, किसान खेती नहीं करता तो जमीन बिल्कुल जंगल हो जाता है, जमीन जंगल का रूप धारण कर लेता है। और आज जैन समाज भी ऐसा है कि जैसे जंगल की हो जाता है, संस्कार उसके कुछ लगते ही नहीं, उद्देश्य सारे सारे बदल गए। जहां कहीं भी देखो केवल अर्थ ही अर्थ आ जाता। अर्थ होना चाहिए लेकिन परमार्थ के सामने अर्थ का मूल्य नहीं होना चाहिए। अनमोल तो परमार्थ है, उसके सामने बिल्कुल नगण्य, एकदम उसको समाप्त नहीं करना लेकिन उसके सामने तोलना नहीं। आज एक तराजू के दो बाल्टी में एक तरफ धन है और एक तरफ धर्म है, तोलने का प्रयास किया जा रहा है। देखो बाल्टी में कभी भी धर्म नहीं आ सकता, किंतु एक तरफ माल हो सकता है और एक तरफ उसको तोलने का जो वजन हो सकते हैं, लेकिन धर्म कहाँ होता है? धर्म तो ऊपर काटे की ओर देख लो, वहां पर होता है। इसलिए धर्म को आप तोलो नहीं, लेकिन तोलते हुए उस समानता आई है क्या नहीं देखने के लिए। चीज को भी मत देखो और उस वजन को भी मत देखो, सूक्ष्म रूप से यदि तोलना चाहते हो तो ऊपर देखो, भगवान बैठे हैं। विघ्नहर पार्श्वनाथ, ध्यान रखना कि यदि जो कोई भी विघ्न आ रहे हैं वो सारे सारे विघ्न तोलते समय ही आ रहे हैं और वह माल के कारण ही आ रहे हैं, या वजन कम कर देते हैं या माल कम कर देते हैं। माल को कम करते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग वजन को ही कम कर देते हैं। माल को कम कर देना एक व्यक्ति के लिए घाटा हो सकता है, लेकिन वजन को कम करने तो फिर सबके लिए घाटा हो जाता। लेकिन सबके लिए घाटा लगाने वाला व्यक्ति स्वयं में भी घाटा में रह जाता, क्योंकि धर्म का काटा भी देखता रहता है। एक बार भर जाएगा तो फिर क्या होगा, फूट जाएगा। इसलिए पाप के घड़े को भरना नहीं है, पुण्य के घड़े को भरना है। फिर पुण्य का घड़ा भर जाता है तो वह दुरुपयोग में नहीं होता, किंतु तो जहां कहीं भी चले जाओ उसका सदुपयोग ही होगा, उसका उपयोग। इसलिए धार्मिक क्षेत्र में होना कठिन हो जाता है, क्योंकि वह नीति न्याय के अनुसार अर्जित करता है। तो धार्मिक क्षेत्र में विचार पुरुषार्थ जो किया हुआ है उसका जीवन ठोस बनता चला जाता है, स्व और पर के लिए कल्याणकारी होता है। ऐसे मुनि महाराज धन्य है जिन्होंने विश्वनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर के लिए सम्यक दर्शन प्रदान करके और अपने कर्तव्य का पालन किया। हम लोगों का भी ऐसा ही कर्तव्य है कि भव्य जीवों के साथ हमारे भी व्यवहार धार्मिक रूप से ही हो, आर्थिक रूप से नहीं, अहिंसा।